तारीख 20 दिसंबर सन 2022 दिन मंगलवार। इस वक्त आप बने हुए हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल के साथ सुनने को अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ आपका हम जुबान संजीव चौहान। आज दो टुक बेबाक खरी खरी बात उत्तराखंड राज्य में अंजाम दिए गए अंकिता भंडारी हत्याकांड की। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस ने चार्जशीट तो समय सीमा में सोमवार यानी 19 दिसंबर सन 2022 को दाखिल कर दी है। इसके बाद भी मगर एक सवाल अभी भी इस मर्डर केस में रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर जिस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने की घिनौनी चाहत के चलते अंकिता भंडारी को अकाल मौत की नींद सुला दिया गया, वो एक्स्ट्रा सर्विस और वो वीआईपी आखिर कौन था। भले ही देखने कहने को इस मामले की जांच के लिए क्यों ना उत्तराखंड सरकार ने विशेष जांच प्रकोष्ठ यानी एसआईटी का गठन कर दिया हो, इसके बाद भी यह एसआईटी भी घटना के करीब 3 महीने बाद भी इन दोनों सवालों का जवाब नहीं तलाश सकी है। सवाल यह है कि आखिर कत्ल के इस सनसनीखेज मुकदमे की तफ्तीश के लिए गठित विशेष जांच दल ही जब संदिग्ध मुलजिमों पुलकित अंकित और सौरभ से अभी तक इन दोनों सवालों के जवाब नहीं उगलवा सकी है, तो फिर अब उत्तराखंड पुलिस के पास और कौन सा वो मूल मंत्र या रामबाण फार्मूला बाकी बचा है जिससे अंकिता के कत्ल की वजह में छिपा वीआईपी शख्स और एक्स्ट्रा सर्विस पता चल सके। मतलब अंकिता हत्याकांड में एसआईटी द्वारा सिर्फ चार्जशीट दाखिल कर देने भर से अंकिता और उसके परिवार को न्याय मिल गया है, ऐसा कहना गलत होगा। न्याय तो तभी मिला हुआ कहा माना और समझा जाएगा जब संबंधित कातिल दौरान ट्रायल कोर्ट द्वारा मुजरिम करार दिए जाए। कहते हैं कि पुलिस के आगे भूत भी भागते हैं, ऐसी उत्तराखंड पुलिस 3 महीने में भी आखिर आरोपियों के मुंह से अंकिता भंडारी हत्याकांड के पीछे की वजह नहीं कबुलवा सकी है। तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि पुलिस ने मुलजिमों को मजबूत और कानून को कमजोर समझने की गलती जाने अनजाने कर डाली है, और इसीलिए असफलता के चलते अब उत्तराखंड पुलिस की इस मामले की पड़ताल के लिए गठित एसआईटी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करते ही राग अलापने लगी है कि जरूरत पड़ी तो इस मुकदमे में वो पूरक आरोप पत्र यानी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल करेगी। ऐसा नहीं है कि वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात उत्तराखंड पुलिस ने खोज ली हो, इसका खुलासा तो अंकिता भंडारी और उसके दोस्त पुष्पदीप के साथ मोबाइल पर हुई चैट से हुआ है जिसमें अंकिता ने पुष्पदीप से कहा था कि रिजॉर्ट में उससे वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात कही जा रही है जो कि वो किसी भी कीमत पर देने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि बाद में इस एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब पुलिस ने देह व्यापार से लगाया था, इसीलिए कत्ल का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुकदमे में देह व्यापार की धारा भी जोड़ी थी। जब अंकिता भंडारी को देह व्यापार में जबरिया धकेले जाने की बात निकलकर पुलिस के सामने आ ही चुकी थी, तो ऐसे में सवाल ये पैदा होना लाजमी है कि आखिर जब मामले के तीनों ही आरोपी उत्तराखंड पुलिस की एसआईटी के हाथ में थे तब एसआईटी की टीमें आरोपियों से उस वीआईपी का नाम आखिर क्यों नहीं उगलवा सकी जिसे अंकिता भंडारी पर एक्स्ट्रा सर्विस देने का जोर दिया जा रहा था। जैसे ही अंकिता ने उस अज्ञात वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने से इनकार किया वो कत्ल कर डाली गई। यहाँ बताना जरूरी है कि 18 सितंबर सन 2022 को रात के वक्त उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर स्थित गंगा भोगपुर में मौजूद वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या और उसके दो साथियों ने मिलकर कथित रूप से अंकिता भंडारी को कत्ल कर डाला था। अंकिता को जिंदा ही गहरे पानी वाली नहर में फेंक दिया गया था। बाद में आरोपियों ने कानून को गुमराह करने के लिए अंकिता भंडारी के गायब हो जाने की गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी। हालांकि उनकी वो चाल उत्तराखंड पुलिस ने नाकाम कर दी। अंकिता की लाश 24 सितंबर सन 2022 को ऋषिकेश के पास स्थित चिल्ला नहर से बरामद की गई थी। उधर सोमवार को उत्तराखंड पुलिस की एसआईटी ने इस मुकदमे में चार्जशीट दाखिल कर दी। यह चार्जशीट न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट द्वारा भावना पांडे की कोर्ट में दाखिल की गई है। इसकी पुष्टि खुद सोमवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने की। उन्होंने कहा दाखिल चार्जशीट करीब 500 पेज की है जिसमें 97 यानी 97 गवाह बनाए गए हैं। चार्जशीट में 30 से ज्यादा दस्तावेज साक्ष्य के बतौर साथ में दाखिल किए गए हैं। दाखिल चार्जशीट में अनैतिक व्यापार निवारण की धाराएं लगाए जाने का भी जिक्र है। इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की प्रमुख उत्तराखंड पुलिस की उप महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी को बनाया गया है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।